सुजानपुर के पुल नंबर 4 के चौराहे को क्रॉस करते हुए वोल्वो बस की चपेट में आ जाने से सुजानपुर निवासी एक युवक की मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई संजीव कुमार ने बताया है कि मृतक अंकुर कुमार उर्फ बंटी, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी मोहल्ला शेखा जो कि गांव कीड़ी में मैकेनिक की दुकान करता था, बुधवार रात को लगभग 10 बजे के करीब अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था कि सुजानपुर नेशनल हाईवे पुल नंबर 4 को क्रॉस कर रहा था तो माधोपुर की तरफ से आ रही वॉल्वो बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना होते ही मौके पर बस का ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया है कि सुजानपुर पुलिस ने इस मामले में बस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और इस संबंधी मामला दर्ज कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुल नंबर 4 पर ट्रैफिक लाइटें ना होने के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने मांग की है कि जहां पर ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएं ताकि रात के समय लोगों को सड़क पार करने में आसानी हो सके। क्या बात हुई है? हम जा रहे थे, जम्मू से दिल्ली जा रहे थे, तो अभी जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही एकदम बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, थोड़ा एक तरफ को वो होने लग गई, तो जैसे हम उतरे लोग कहते हैं कि आग लगी आग लगी, तो हमने देखा इधर बुलेट पे आग लगी हुई थी, पीछे उधर वो बंदा डेड हो चुका है और अभी ड्राइवर और कंडक्टर भाग चुके हैं। अब हम देख रहे हैं, अब पुलिस अभी आई है, जस्ट अभी देख रहे हैं। तो आपका दिल्ली जाने का कोई इंतजाम हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, अभी जस्ट ही एक्सीडेंट हुआ है। अभी तो हम ढूंढ रहे हैं अपना सामान कैसे निकालें पीछे से, वो ड्राइवर तो भाग चुका है सब कुछ। ओके, मैं जम्मू से दिल्ली जा रहा था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अचानक ही गाड़ी का आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, हमें लगा पता नहीं गाड़ी स्किड हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि आग लगी आग लगी, सभी हड़बड़ा के बाहर भागने लगे। जैसे बाहर देखे आगे फ्रंट टायर में ही आग लगी हुई थी, हमें पता नहीं था कि क्या सीन हो। बाद में देखा बुलेट नीचे आई हुई थी, बाद में पता चला कि एक बंदा था जो डेड हो गया, तो ड्राइवर जो कंडक्टर में सभी भाग चुके हैं, सामान हमारा अंदर फंसा हुआ है, जाने की अब दिल्ली पहुंचने की कोई सुविधा ही नहीं, यहीं पे फंस चुके हैं अब हम। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.